हर सीजन हमें नए नए इसेकाई एनिमे मिलते रहते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद ना भी आते हो, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी पे शक करना मतलब बेवकूफी होगी। हर साल की तरह इस साल भी मैं अपनी मैंडेटरी अपकमिंग इसेकाई एनिमे वाली वीडियो साल के शुरुआत में ही बनाने वाला था, लेकिन कुछ एनिमे साल के बीच में ही अनाउंस हो जाते हैं, तो सोचा स्प्रिंग सीजन चालू रहते वक्त ये वीडियो बना दूंगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। So here I am with the video of the top 10 most anticipated new isekai anime series from 2024. लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सर स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो इशुरा के साथ। इशुरा प्रोबेबली एक ऐसा लौता इसेकाई एनिमे है जिसके स्टार्टिंग में ही हमें कोई आदमी मरते या फिर टेलीपोर्ट होते हुए नहीं दिखता। ना ये भी इसेकाई एनिमे ही है, बट इट स्टार्ट्स विद अ डिफरेंट अप्रोच। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यूनो से, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में पढ़ने वाली लड़की होती है। रिसेंटली हुई डीमन लॉर्ड की मौत की वजह से अभी इनके गांव के लोगों को एक शांति से भरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। अंटिल वन डे नंबर ऑफ गोलेम्स अटैक्स एंड किल्स एवरीवन, और इस अटैक में यूनो की भी जान जाने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त सोजीरो नाम का हीरो आकर उसको बचा लेता है। और फिर यूनो को पता लगता है कि ये सोजीरो एक विजिटर है। विजिटर यानी कि कुछ ऐसे लोग जो दूसरी दुनिया से समॉन किए जाते हैं टू एक्ट एज एन हीरो। Now it's the visitor's responsibility to save all the people and destroy the evil. बस और बाकी कुछ कहने जैसा है भी नहीं। एनिमे का स्टार्ट एकदम से आपको हुक कर लेगा, बट अनलेस यू आर ए डाई हार्ट इसेकाई फैन, आपको ये एनिमे कंप्लीट करने में मुश्किल होगी, क्योंकि आगे जाके आपको वही सब इसेकाई वाले घिसे पीटे ट्रोप्स मिलेंगे। सो यू माइट लाइक इट और यू माइट नॉट लाइक इट, ट्राई करने में क्या जाता है यार, देख लो जाके। अगला है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स। Tales of Wedding Ring is probably the most hyped isekai anime of winter 2024. Sato एक high school जाने वाला normal सा लड़का है जिसका Hime नाम के एक लड़की पर crush है. And trust me, he is in madly love with her. ये बंदा इतना पागल है कि उसको एक दिन पता लगता है कि Hime इस दुनिया से है ही नहीं. वो तो एक दूसरे dimension की princess है जो कि शादी करने के लिए वापस जाने वाली है. ये पता चलते ही सातो उसका पीछा करते करते दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी शादी में घुसकर उसको भगा के उससे शादी कर लेता है। बट हियर कम्स द मैंडेटरी बट उसको ये पता नहीं होता कि शादी की रिंग एक स्पेशल रिंग है विच अलाउज एनीवन टू यूज एक्सट्रीमली पावरफुल मैजिक। और फिर आगे क्या, शादी करने के वजह से उसको अभी इस दुनिया में रहकर पूरे किंगडम का कारोबार संभालना पड़ता है। दैट्स इट, ओवरऑल ए गुड एडेप्टेशन विद अ लॉट ऑफ रोमांस एंड एची कंटेंट। The wrong way to use healing magic. Probably the most fun anime to watch on this list. आपको कभी थर्ड व्हील होने का एक्सपीरियंस है? अरे मतलब कबाब में हड्डी? नहीं, तो इस एनिमे का एमसी आपको वो फीलिंग दे देगा। उसा तो एक दिन अचानक से उसके दो दोस्तों के साथ इसेकाई हो जाता है, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन हिज फ्रेंड्स आर क्वाइट पावरफुल। इस दुनिया में उसातो के पास बस एक ही काम की एबिलिटी है और वो है हीलिंग मैजिक। लेकिन यही हीलिंग मैजिक एक दिन रोज नाम के एक टीचर का ध्यान उसके तरफ मोड़ लेती है, जो कि उसातो को स्ट्रांग और पावरफुल बनाने की ठान लेती है, इवन दो ही इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट। इसमें आपको भर भर के कॉमेडी मूवमेंट्स मिलेंगे विच कैन एंटरटेन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई गेस इसका नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। मैं एनिमे के रिलीज डेट्स या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो तो वो कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट करते रहता हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इस गरीब का भला हो जाएगा, प्लस आपको भी 50 पेजेस फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन अपडेट यू अबाउट एवरीथिंग ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। नेक्स्ट वन इज द वीकेस्ट एमर बिगेन ए जर्नी टू पिकअप ट्रैश। ये और एक इस साल का ऐसा एनिमे है जिसका स्टार्ट कुछ अलग तरह से होता है। इस दुनिया में हर आदमी की पावर्स उसके स्किल्स पे डिपेंड होती है, एंड आईवी एक ऐसी लड़की है जो कि बचपन से ही एक एवरेज माना और स्किल्स के साथ पैदा हुई है, और वीक होने की वजह से उसकी फैमिली उससे बहुत नफरत करती है। एक दिन अपने एक लौते पसंदीदा इंसान को खो देने के बाद वो अपना रास्ता ढूंढने के लिए घर छोड़ के भाग जाती है, एंड देन शी बीफ्रेंड्स ए स्लाइम। ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ होने के बावजूद भी इसमें एक्शन और टेंस मूवमेंट की कोई भी कमी नहीं है, while also balancing the calm paced scenes. Originally, आईवी की इसेकाई होते वक्त की स्टोरी इसमें हमें नहीं दिखाई जाती, so इसको हम इसेकाई की जगह पर एक सिंपल फैंटेसी एनिमे भी कह सकते हैं, बट आई थिंक कि ये इसेकाई फैंस को भी बहुत पसंद आ जाएगा। ओवरऑल एन अमेजिंग वॉच एंड हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट वन इज री मॉन्स्टर। इसेकाई में ज्यादातर समय हमें ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर मिलते हैं विद ए लॉट ऑफ एची कॉन्टेंट, बट अगर आपको कुछ अलग देखना है तो शायद री मॉन्स्टर आपकी ये भूख मिटा सकता है।
इसमें हमारा मेन कैरेक्टर कोई ओवर पावर्ड बंदा बन के जन्म नहीं लेता, बल्कि वो जन्म लेता है एक गॉब्लिन बन के। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ही कैन एक्चुअली लेवल अप हिमसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, बिल्कुल संग जिन वू की तरह। जैसे जैसे वो हंटिंग, फाइटिंग और फ्लर्टिंग सीखता है, उसकी लेवल बढ़ती जाती है। एंड नॉट जस्ट दिस, बट पावर के साथ ही साथ उसका गॉब्लिन फॉर्म भी इवॉल्व होने लगता है। सो यू विल गेट टू विटनेस द जर्नी ऑफ एन अंडरडॉग गोइंग फ्रॉम नथिंग टू द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन टू एवर एग्जिस्ट। आप सिंपली दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम की स्टोरी लो और बस स्लाइम को गॉब्लिन से रिप्लेस कर दो, एंड व्हाट यू विल गेट विल बी री मॉन्स्टर रीइनकार्नेटेड एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल। इस एनिमे की स्टोरी बड़ी सिंपल है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट पहले वाली दुनिया में एक सैलरी मैन होता है, जो कि मर के एक नोबल फैमिली के घर में रीइनकार्नेट हो जाता है। और इस बच्चे का टैलेंट है दूसरों की एबिलिटीज को एनालाइज करना। यूजिंग दिस स्किल द प्रोटैगोनिस्ट सीक्स टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। और वो एक ऐसे देश में पैदा होता है जो कि किसी भी समय दूसरे देशों के साथ एक बड़ी जंग में पड़ सकता है। ये बाकी के एनिमे से थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें प्रोटैगोनिस्ट को एक यूनिक एबिलिटी मिलती है जो कि फिजिकल या फिर मैजिकल पावर से रिलेटेड नहीं है। ही जस्ट सिंपली एनालाइजेस पीपल। ये काफी कंफर्टिंग और लेड बैक शो है, जो कि आप आराम से रात को सोते सोते देख सकते हो, क्योंकि अगर आप सो भी गए तो वैसे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस नहीं होने वाला। अगला एनिमे है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चेट पावर्स। भाई साहब, ये एनिमे के नाम भी ना, ये एनिमे सुनने में तो काफी अजीब और नॉर्मल लग रहा होगा, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्लायरोड नाम के किंगडम को एक हीरो की जरूरत होती है, और उसके लिए वो समॉन करते हैं बानाजा को, जो कि शुरुआत में हीरो बनने के लायक नहीं होता। एंड आफ्टर गेटिंग डिसमिस्ड फ्रॉम द किंगडम फॉर बीइंग वीक, बानाजा बाहर जाकर अलग अलग एबिलिटीज कलेक्ट करता है और अनसरप्राइजिंगली बहुत पावरफुल बनता है। देखते ही देखते वो खुद को एक डीमन वोल्फ के साथ फाइट करते हुए पाता है, हु टर्न्स आउट टू बी ए वुमन, और दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ, पता है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट आप एनिमे देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर स्टोरी फॉलो करती है इस कपल को, जो कि अलग अलग एडवेंचर्स पे जाते हैं। इस एनिमे को मैंने यूनिक कहा, क्योंकि इसमें लड़की होने के बावजूद भी कोई हारेम नहीं है। ही इज जस्ट फेथफुल टू वन वुमन एंड दैट्स इट। और ये चीज इसेकाई में बहुत ज्यादा रेयर है। मूविंग ऑन टू द थर्ड नंबर, वी हैव द न्यू गेट। ये एनिमे स्टार्ट ही होता है हमारा प्रोटैगोनिस्ट एक वर्चुअल रियलिटी गेम में फंसा हुआ दिखाकर। शिन ऑलरेडी बहुत पावरफुल बन चुका होता है, और पहले ही एपिसोड में वो फाइनल बॉस को भी हरा देता है, सो दैट एवरीवन कुड रिटर्न बैक होम, जो कि होता है, लेकिन बस शिन को छोड़ के सबके साथ। ही एंड्स अप स्टेइंग इनसाइड द गेम, लेकिन वो खुद को गेम के 500 साल फ्यूचर में पाता है। और अब शिन अपनी नई जिंदगी को जीने के लिए ये दुनिया एक्सप्लोर करने लगता है। बेसिकली जस्ट स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ही है ये, नथिंग यूनिक बट एन एंजॉयबल वॉच। डेलिया इन ब्लूम क्राफ्टिंग ए फ्रेश स्टार्ट विद मैजिकल टूल्स। डेलिया नाम की लड़की एक दिन ओवरवर्क से मर के इसेकाई हो जाती है, विच इज प्रोबेबली द रियलिस्टिक डेथ फॉर अ जापानीज पर्सन। अभी इस दुनिया में वो एक से ऊपर एक चुनौतियों का और चूतियों का सामना करती है, और एक दिन वो डिसाइड करती है कि ये सब काम छोड़ के मैं अभी मैजिकल वेपन्स बनाऊंगी। डेलिया इन ब्लूम ब्लेंड्स स्लाइस ऑफ लाइफ, फैंटेसी एंड रोमांस एज वेल। ये भी एक बहुत कामिंग और रिलैक्सिंग एनिमे है, विच फील्स प्रीटी नाइस, एस्पेशियली इन इसेकाई जॉनरा। बस और कुछ ज्यादा बताने जैसा है भी नहीं। एंड द फाइनल एनिमे इज फेलियर फ्रेम, I became the strongest and annihilated everything with low level spells. ये इससे का एनिमे वाले कब अपना पूरा प्लॉट टाइटल में ही बताना छोड़ देंगे, क्या पता। एक बार एक गॉडेस पूरे क्लास को समॉन करती है, सो दैट दे कैन वर्क फॉर हर एज हीरोज इन क्लियरिंग डंजंस। इस क्लास में से हमारी मेन कैरेक्टर है मिमोरी, जिसकी पावर्स इतनी वीक है कि वो एक मच्छर को भी नहीं मार सकते। प्लस समॉन होने के तुरंत बाद ही उनको एक खतरनाक वाले डंजन में डाला जाता है, लेकिन यहाँ मिमोरी को उसके असली पावर्स का पता लगता है। ये एनिमे प्रोबेबली सबसे इसेकाई लगने वाला इसेकाई एनिमे है। एवरीथिंग इज जस्ट सो नॉर्मल, कुछ भी ऐसे यूनिक चीज इसके अंदर नहीं होती, बट स्टिल आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद है, एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड दिस ऑन दिस लिस्ट। अगर मुझे पूछोगे तो मेरा फेवरेट इस लिस्ट में री मॉन्स्टर है। आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो आपके इसी का ही फैन दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई ब्रिंग डेली एनिमे कंटेंट ऑन दिस चैनल फॉर यू गाइस, लाइक टॉप 10 लिस्टिंग्स, एनिमे रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस। एंड दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सायोनारा।